सो अमेजिंग 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 जॉब कि भाई इतनी हूरे मेरा इंतजार कर रही हूँ, ठीक है. एंड देन वो सिगरेट पी रहा. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन हर्ष पेनीवाल न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज हाईजैक्ड. और ये वीडियो आई नो आई एम अग्रेंडेड बट आई नो यू गाइज आर यू एक्चुअली वेटिंग फॉर माई रिएक्शन. सो सॉरी भी बोलूँगी एंड थैंक यू भी बोलूँगी इस चीज़ के लिए क्योंकि आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो ब्लेस्ड. ओके, सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो आई जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Just go and check out the video right now and then just come back to my channel for reaction. Alright, so let's start this video. And yeah, ये जो topic है ना, इसको देख के मुझे पक्का लग रहा है कि ये बहुत, मतलब हर एक जो video है हर्ष पेनीवाल का unique होता है. So I really want to, so I'm so excited about this video. So let's start. कितनी बंजर सी हो रही है जीवन, मतलब एकदम खराब कबाड़. ओके, ये स्टोरी सच में डिफरेंट होने वाली है. ऐसे चिलांडरों की फौज जमा कर रखी है मैंने, इनके साथ तो लड़ने जा रहा हूँ मैं. बस सोतेले भाई ना होते ना मेरे, तो चूतड़ों पे ऐसे डंडे मारता कि टट्टी करना भी ना पत्थर काटने के बराबर ललता. अमर अकबर, यस कुमार, क्या कर रहे थे? ए, सो रहे थे ना. सो रहे थे. ये सोने का टाइम नहीं है, उठाने का टाइम है. सोती दुनिया को बताने का टाइम है, इस बहरी जनता को अपनी ख्वाहिशों के बारे में. कल का सूरज उनकी लाइफ में अंधेरा लाने वाला है. ओह, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? यस कमांडो, वेरी सीरियस. इस लड़ाई में जिस चीज की हमको सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लग. अट्टा मार्केट के खुफिया पंटों से चुन चुन के लाया हूं मैं लंबे चौड़े लन, ऐसे खूंखार लन जिसको देख के बड़े बड़ों का पसीना छूट जाए. तो आओ उठाओ अपने अपने लन. इसका बोलना बड़ा दिक्कत देता है यार. दुनिया बदलने चला है, अब इसकी जुबान बदलो पहले को. अबे लदो आओ, लॉर्ड जोको, भरो अपने लन में लोलिया, तैयार हो जाओ. आ जाओ. शिट मैन, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? इस पे पहले मैंने हाथ रखा था. इसको देखा पहले मैंने था. हाँ तो देखने से क्या होता है, देखा तो तूने सलमा को भी था. होगी क्या तेरी वो? इतनी सारी बंदूकें, कोई भी उठा लो यार. एंथनी भाई समझा लो इसे, पर्सनल जाएगा ना तो इतना सूद दूंगा इसको, इसका बाप भी नहीं बचा पाएगा. ये बाप पे मत जाइयो, मेरा बाप आ गया ना अभी, यही मूतता फिरेगा. अबे एक ही बाप की फिक्स डिपॉजिट हो तुम, कोई और उठा लो बंदूक. लूंगा तो यही, मैं भी यही लूंगा. छोड़ दे इसको, ये मेरी है. छोड़ दे, छोड़ दे इसको, लड़ना स्टार्ट. छोड़ दे इसको, छोड़ दे, लड़ जाएगी. मैं मार दूंगा, मैं तेरे मार दूंगा, तेरे मार दूंगा, मैं तेरे मार दूंगा. मिशन थोड़ा बहुत खून मारती है और ये एक लोली मेरे जज्बे को नहीं बिलाड़ सकती. गोली कुछ नहीं कर सकती ये एक लोली. सही कहा, ले एक और गोली. अब तो करना ही पड़ेगा बोल. नहीं, अरे तो चलोगे कैसे? चलूंगा, चलूंगा मैं, चलूंगा. भाई साहब डेडिकेशन है पूरा, बट करने के चाह रहे हैं हाई चेक. ओके ओके, आप पीछे रहो, हम आगे जाते हैं. पीछे रहो, जाओ.
फोन कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जय माता दी। और मैम ये थाईलैंड कितनी देर में पहुंचा देगी? सर जल्दी ही, आपकी सीट लीजिए जी। अच्छा सर्विस उतर के मिलेगी या फ्लाइट में भी कुछ फैसिलिटी है? एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब कोई बात नहीं जी, इंतजार कर लेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है। हेलो सर वेलकम टू फ्लाइट है। कैसे हो आप? बढ़िया। हेलो सर वेलकम टू फ्लाइट है। हेलो पिंकी तू? एंथनी तू? सर वेलकम टू फ्लाइट है। अबे वेलकम लया, तेरा तेल लेने हीरोइन बनने के लिए छोड़ के लई थी ना मुझे तू। सही पिक्चर चल रही है तेरी, कौन शूट कर रहा है? जौहर की कश्यप? सर मेरी कुछ वेब सीरीज में बात चल रही है, मैं एक दो वीडियोस हर्ष बेनीवाल के साथ भी कर चुकी हूँ, ये तो बस फ्री टाइम है सर। अबे जा तेरी वेब सीरीज आरसीबी जैसी है तू, उनको भी हर साल लगता है ट्रॉफी मिले ली लेकिन उल्ला लाला ले हो करके निकल जाते हैं। अबे सुन ले हल्के तुल्ले, बहुत हो रहा है तेरा, जब सीट पे जाके रपट मार, बहुत सही आधा पाना बचा हुआ है ना तेरा, उसे भी तोड़ दूंगी। आई बात समझ? अनएक्सपेक्टेड। तुम कैसे करोगे थाईलैंड जाके? हेलो। हाँ जी सर, आप बैठ गए फ्लाइट में? हाँ शुक्ला बैठ तो गया हूँ, लेकिन फट रही है यार मेरी, आई थिंक आई कांट डू इट। अरे सर आप इतना क्यों सोच रहे हैं यार, हाइट का फोबिया है यार शुक्ला मुझे। सर आप पागल हैं, लेजेंड ऑफ पिंडारी के राइटर हैं आप, वहाँ थाईलैंड के फीफी आइलैंड पर लोग आपका सैंड आर्ट बना रहे हैं, आप अपने फैंस को नाराज करोगे। तो क्या करूँ क्या यार मैं? अरे सर गोली दी तो है आपको, उसको मुँह में रखो, आँखें बंद करो, अपनी किताब के बारे में सोचो, आँख खुलने से पहले थाईलैंड में होंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है। गौर से क्यों दिखा रहे हैं सब चीजें? पिंडारी, पिंडारी, पिंडारी। इज अ राइटर। पिंडारी, पिंडारी। हेलो पैसेंजर्स, यू आर ऑल सेट टू फ्लाई। अ कैप्टन विल एड्रेस यू इन अ व्हाइल, देन वी विल टेक ऑफ। ओवर टू द कैप्टन। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज द कैप्टन सौरभ जुनेजा। वी विल टेक ऑफ इन एग्जैक्ट 3 मिनट्स। सो काइंडली फास्टन योर सीट बेल्ट। Also guys, do subscribe to my YouTube channel Little Beast. Guys, जल्दी से 10K करवा दो वरना प्लेन पानी में गिरा दूंगा। Good. क्या हुआ पापा? बैठ गई? अमर, अकबर, टाइम आ लिया है कोई आखिरी सवाल? हाँ, ये हम फोन पे क्यों बात कर रहे हैं? नेटवर्क तो आ नहीं रहे। मिशन मैं ऐसी बात करते हैं, मैंने पिक्चरों में देखा है। खैर आप सुनो, मेरे कोड वर्ड पर सब अपने अपनी बंदूकें निकाले ले। कोड वर्ड क्या? कोड वर्ड, कोड वर्ड है? मेरी बारी है ना, मैं माँ से गाऊंगी। कोड वर्ड है माइन माई मुंदेर पे तेरे बोल रहा है काला। मैं ले जाऊला, वेट फॉर माई ऑर्डर्स। यस बॉस। माइनी माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है काला। मैं गासी गाऊंगी, गासी गाऊंगी। गुपचुप 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 लंबा लंबा गुप्चुप। ये पूरा हाँ गासी खिला रहे। मैं प्लेन हाईजैक हुआ, हाईजैक। हंस क्यों रहे थे मुंह पे? Oh man! मत उठा क्या? मत उठा क्या? ए बुट्टे, देख रहा है ये? सारी की सारी कहीं उतार दूंगा। हाँ तो उतार दे। नहीं उतार दे। ना, मैं उतार दूँ।
बुड्ढे असली है, चल जाए नहीं वो, रख नीचे उसको। हाँ बेटा असली है, अभी मैं इससे इसको मार के दिखाता हूँ। हाँ अंकल अंकल, मुझे मारो, और यहाँ नहीं यहाँ मारो, बिल्कुल यहाँ। पॉजिटिव। हाँ भाई अले स्वाद लो लंदो। बेटा यहाँ कैसे, पीछे चल लो। ए बुड्ढे तुम कल की बात कर रहा है समझा, चल इधर खड़े हो, चल। मैडम इसलिए, बस इसलिए तुझे काम नहीं मिलता, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है जो तू। चल जाके पीछे हट लो। पर देखो ये लेना, ये पायलट का मर लिया बहन का थोड़ा। लीडर को मार दिया, ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया। हाँ तो इतना मसला क्यों जो खड़ा हो गया। तो गाइस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं थाईलैंड, और वहां से लेके आऊंगा मैं आपके लिए बूम बूम व्लॉग्स। गाइस मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल गया। हां भाई कैसा है, सारे व्लॉग देखता मेरे है, बोलो बोलो बोलो। मतलब ये क्या है, बहुत सही समझा बहन के लन, हाईजैक हो लिया है तू। हाईजैक गाइस, इट्स रियली अनएक्सपेक्टिंग, मैं हाईजैक हो गया हूं, और मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं पहले, मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा भाई यार। इस हमारे हाईजैकर का भी ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि बिना गन अनलॉक किए मुझे डरा रहे हैं। गाइस मैं आपसे मिलता हूं थोड़ी देर में, तब तक जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और शेयर शेयर जरूर करना, ठीक है। वन शेयर इक्वल टू वन प्रेयर फॉर मी। बाय गाइस। भाई एक थंबनेल के लिए फोटो ले ले। हाँ एक आ जाओ। अबे ये डब्बा बनाने के मिनिएचर, बंद कर इसको, बंद कर, जल्दी कनेक्ट कर अपने डिपार्टमेंट में। हेलो हेलो, फ्लाइट हाई एविएशन, फ्लाइट TH-50 इज हाईजैक्ड, प्लीज सेंड हेल्प, सेंड हेल्प। क्या मतलब गाड़ मरा, अरे सेंड हेल्प, यहाँ पे लगी पार्टी चल रही है। डिस्कनेक्ट हो लिया तो कनेक्ट कर, नहीं तो साले तुझे डिस्कनेक्ट कर दूंगा। और जब तक बोलू नहीं ना, प्लेन हवा में उड़ता रहना चाहिए, लैंड नहीं होना चाहिए। यार ऐसे मत बोलो भाई, आज शाम को 4 बजे फूम फूम व्लॉग्स अपलोड करने, रीच खत्म हो जाएगी यार। मतलब गन है फिर भी, वापस आऊं ना, कनेक्ट हो जाना चाहिए भाई। ट्रू यूट्यूबर हो क्या रहा है, कितने चिल चिल हो रहे सारे के सारे। किन्हें रख लिया पार्टनर, मुझे बता देते मैं करवा देता हेल्प हाईजैक में। ए नीचे बैठ, नीचे बैठ, ए नीचे बैठो, नीचे बैठो, सालो हराम जादो, सांप को दूध पिला रहा मैं, ये संभाल रहे हो, ऐसे बने ले हाईजैकर, बहन चोदो बंदूकें उठाओ और अपना काम करो, और तू और सालो तुम सब, अरे संगीत सेरेमनी में आयो क्या, अरे हाईजैक हुए हो, थोड़ा तो डरो, मानम प्रेशर है, पहली बार है हमारा, पर थोड़ी तो इज्जत करो। अब की बार किसी की आवाज आई ना तो सालो आखिरी बार आएगी। मरने का शौक है क्या तेरे को, चुपचाप बैठ। अबे वो ततैये की झाड़, ये क्या हुआ, लगता है पहुंच गए। देखो तू मेरे घोड़े कहाँ है, किरिकट्टो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है किरिकट्टो,
बहादुर क्रिकेटो, राजा भभूष कहाँ है? ले चलिए मुझे उनके पास। पिंडारियों की रक्षा करना मेरा परम धर्म और कर्म है। बे, क्या बोले दारा? कबीले की मणि की रक्षा करने में मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ क्रिकेटो। मैं पीछे होना तो मार दूंगा। एंथनी भाई, साले भाई रुक जा, पंचर कर दूंगा। सरदार भभूष, सरदार भभूष, मैं टिटारा की पहाड़ियां चीरते हुए आया हूँ आपके गिरोह में शामिल होने। मुझे अपना लीजिए, क्योंकि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। मेरे को क्या लगता है इसको भी वही मकसद है। व्हाट अ कैरेक्टर मैन। तो रख ले इसे। और क्या, तीन से भले चार। ठीक है ठीक है, तू हमारे पाले में आ जाओ। सरदार भभूष, सरदार भभूष, हुआ हुआ हुआ, बहुत जोर से हुआ। तू वहां जाके पीछे जा, पीछे खड़े हो जाओ। ए, मारा वारा तो नहीं तुझे? ठीक है तू? अबे ओ, लंच रेडी है, किसी को भेज मेरे साथ लंच डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए। मैं जाता हूँ भाई। एंथनी भाई, रसोइये का काम मुझे ज्यादा अच्छा आता है, मैं जाता हूँ ना। अबे ओ रसोइये, मैनेजिंग का काम है वहाँ पे, ठीक है? पायदान से शक्ल के चुपचाप बैठ जाए इधर। साले तू शक्ल पे मत जा, अगर तेरी जैसी शक्ल होती ना अपने बाप को सूकर देता कोर्ट पे। अकबर, अमर, अमर तू जा भाई, पिंकी बहन का हाथ बटवाने। और अकबर तू मिशन की सब, अरे गधे की गांड में गया मिशन, मरवा लो। कबीले वालों को देखता रह। जी सरदार। अक्कू, गौरा बहन, तो खूटे से किसने कौन दिया? आते चरा के लो। अक्कू भाई प्लीज बाहर आ जा, प्लीज। ओ, सही कैरेक्टर पकड़ा। ऐसे मत कर प्लीज, आ जा। ओ भाई, भाई। आप हमेशा उसकी तारीफ दारी करते हो, मैं सोते लाऊ ना। छी, पागल है तू, कैसी बातें कर रहा? हाईजैक का प्लान पहले तुझे बताया था, उसे बताया था। देख मेरे छोटे भाई, प्लीज बाहर आ जा प्लीज। अट्टी बट्टी, अट्टी बट्टी, अट्टी बट्टी। भाई प्लेन उड़ाऊंगा। ओए पाले ले तू, प्लेन कैसे उड़ाया ला? मेरा बच्चा, मेरा बाबू प्लेन उड़ाया ला, मैं तुझसे प्लेन उड़ा। मतलब क्या? प्लेन तलाऊंगा, प्लेन तलाऊंगा, प्लेन तलाऊंगा, प्लेन तलाऊंगा। ए क्या ये? प्लेन तलाऊंगा। ए ओए हट, क्या कर रहे हो? बच्चा मैंने उसको प्लेन चलाने का तो चलान दे। देखिए आप ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाईजैक वाईजैक तक तो ठीक तो पर ज्यादा हो रहा है, ऐसे कोई यहाँ पे आके नहीं बैठ जाता। अरे मोटी मोटी किताबों के पन्नों में उलझ के इंसान काबिल बनता है यहाँ पे बैठने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई 6 फुट का झाड़ आएगा और बैठ जाएगा। बिल्कुल बैठ जाएगा, क्यों नहीं बैठेगा। ये सीट इन्हीं के लिए तो बनी है, सारे सारे गुण दिख रहे मुझे इनमें। ये लो आप मेरी टोपी ले लो, आप मेरी लाइसेंस ले लो, आप एक काम करो आपने मेरी गाल ले लो। उड़ा उड़ा प्लेन उड़ा। कनेक्ट हुआ? इन प्रोग्रेस है सर। कितना माइलेज देता है भाई? एंथनी भाई, डिपार्टमेंट वाले से वही बात, बात आगे बढ़ी कुछ? हाँ हाँ, वो अपने सीनियर को ला रहे हैं हमसे बात कराने के लिए। हमारे नाम से थर थर कांप रहे हैं साले, थर थर। ऐसे थर थर कांप रहे? हाँ, कापरा भी चाहिए सालों को। बहुत सही भाई, बहुत सही। की तो आज भी झूठ बोलते हुए आँख में सलता है। क्या मतलब? ए ड्रामा मत कर, मुझे सब पता है। तेरी बात डिपार्टमेंट वाले सुन नहीं रहे और सुनेंगे भी नहीं जब तक तुम बॉस नहीं देगा। अरे इस एयरलाइन के एविएशन कंट्रोलर का बेटा सूर्य कुमार, वो भी इसी फ्लाइट पे है और वो ही बॉस है, बाकी तू देख ले। सरदार भला तेज कर लिया है, पता है कहाँ गाड़ू? नहीं, नहीं नहीं नहीं, उस लड़ाई से पहले हमें एक और लड़ाई लड़नी है।
सही है, हमें उसे ढूंढना। सूर्य कुमार चाहिए। सूर्य कुमार अमर, सबकी आईडी चेक कर, सूर्य कुमार चाहिए। वैसे आपकी वो सौतेले भाइयों जी, नाम क्या है आपका? अकबर। सिर्फ अकबर? सरदार भबूश मिल गया घुसपैठिया, जल्दी ला, इधर ला। इस घुसपैठिया को मेरे सामने लाइए सरदार, इसके लहू से प्रतिभोज करूं। सरदार आपने मुझे मारा, मंदोदर ने भड़काया है आपको मेरे बारे में, मैं उसकी जान ले लूंगा। पता इनको किसने खुला छोड़ दिया यार? अमन की लूट यार, छोड़ो सरदार। प्लेन तो बढ़िया लिया आपने, थैंक यू। बस बूफर वो लग जाते ना, बूम बूम, एकदम मजा आ जाता, सेक्स हो जाता। लोका सरदार आप भी? अरे नीलू पर ओए बंद कर अपने ड्रामे, ओए तू कनेक्ट कर, ओए लाउड स्पीकर कर। हेलो हेलो, हमें मदद की जरूरत है। अरे मदद तो मुझे भी चाहिए तुझसे, बस एक बार वो सुन तो ले। अलग ही चीज चल रही वहां तो। मेरे पिता? हाँ मेरे पिता तो टिटारा और बूबागढ़ की लड़ाई में शहीद हो गए थे सरदार, मुझे लगता है ये कोई घुसपैठिया है। आप कहे तो इसका धार आपके चरणों में ला के रख दूं। सूर्या? ओके सूर्या, ए हेलो, ए हेलो सूर्या, बंद करो तेरी। सूर्या हेलो, बेटे बेटा कहाँ है तू? सूर्या घुस ले बास। मंदोदर, क्रूर मंदोदर की आवाज कहाँ है? सरदार को मेरे खिलाफ करके अच्छा नहीं करा, तेरे सीने में अपना हाथ डाल के चीर दूंगा और तेरे रक्त से अपनी तृप्ति करूंगा। और सुन, मेरा नाक फड़फड़ा रहा है, यहाँ से फेंक के मारूंगा, वहां तेरा खानदान संभोग कर बैठेगा। सरदार सरदार मंदोदर 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 सही कह रहा है तेरे घर का चिराग, तेरा बेटा हर लंटे मौत की सीढ़ियां चढ़ रहा है। हाँ क्योंकि लेंट खराब है। अरे है कहाँ वो फ्लाइट TH-50 में जो पिछले 3 घंटे से हाईजैक्ड है? हाईजैकर? आप लोग हो कहाँ से? कहाँ से हो आप लोग? लश्कर अलकायदा? नहीं नहीं चचा, हम तो राजौरी से हैं। क्या राजौरी? राजौरी आपातकालीन ताइबा, जौरी आपातकालीन ताइबा। हाँ हाँ, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? पहले तो कभी नहीं नाम सुना इसका। अरे कहाँ से सुनोगे, सुबह 9 बजे तो बनी है। 9 बजे ही तो बनी है? हाँ नहीं सुनी तो अब सुनते रहो ले। अब वो तेरे ऊपर है, तुझे तेरा बेटा 206 हड्डियों में पूरा चाहिए या नहीं। हमारी कुछ डिमांड है जो तुझे आने वाले 1 घंटे में पूरी करनी है। ठीक है ठीक है, क्या डिमांड्स हैं तुम्हारी? हमें पब्ली चाहिए। क्या पब्ली? पब्ली वो तो नहीं है, रेखा और जया है, भेज दूं, बहुत अच्छा काम करती है। ए साले कॉमेडी करता है, हंसना नहीं वाला तू। पबजी पबजी अनबैन करवा, पबजी चाहिए। ओके अबे चूतिया हो क्या? 100-200 करोड़ रुपए मांगो, ये कोई डिमांड हुई? पबजी चाहिए क्या? ये पबजी पबजी के पीछे पड़े हो हैं? चूतिया गेम एक नंबर की। वो पब्ली एक चूतिया ले में? अरे 2017 में मिला था उसे पहली बारी, और पहली बार देखते उसे प्यार हो लिया। अरे M416 और UMP9 की टाए टाए सुन के सांसें साए साए चढ़ जाती थी।
पहले हमसे बिल्कुल भी नहीं खेला जाता था। अरे गटका उतर के भी लटक जाते थे, स्क्वाड मेंबर्स भी टीम में ना सिर्फ सप्लाई जमा करने के लिए रखते थे। और पता है क्या 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 बुलाते थे हमें? नहीं अमर, वो नहीं। लेने दे अकबर, लेने दे, इनको भी पता ले क्या क्या झेला है हमने। वो हमें नूबड़ा कहते थे, नूबड़ा। पर हमने कभी वेरी सैड स्टोरी। हजार जिल्लतों के बाद और कैरीज लाइफ के 152,000 स्ट्रीम देखने के बाद फाइनली हम प्रो बने। हमने भी सपने सजाए थे कि हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, लोग हमें भी 100-100 रुपए की सुपर चैट देंगे और बोलेंगे से माय नेम बिग फैन सर। लेकिन तुमने हमारे सपनों पे अंगार मूंद दिए, बहन करती हमारी खुशी। सर पब्लिक सिर्फ एक लेम नहीं है, वो दुनिया है मेरी। और मुझे मेरी दुनिया वापस कर दो सर, मुझे मेरी दुनिया प्लीज वापस कर दो सर, प्लीज प्लीज। I can understand. No, you don't understand. Oh. You don't understand my emotions. But समझो वो एक चाइनीज गेम है। तो चाइना की माँ का हाका नूडल मारो पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। चाइनीज इन्वेस्टर्स को हटाओ पर हमारा गेम हमें वापस लाके दो। हमें हमारा गेम चाहिए, चाहिए। ये बंदे की एक्टिंग भाई सुपर। ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम जीत ले, हम जीत ले। अब ये सही हुआ होगा। ये भी तो मुश्किल से मार दिया है। लगता है कबीले की मणि मिल गई। मुझे भी दिखाओ। ओह, और ये है क्या एग्जैक्टली? मणि तो बहुत सुंदर है। बॉम्ब, ये किसने फिक्स किया था? बॉम मणि नाम है इसका। जब बैंड के लोड़े, कौन ले गया इसको यहाँ पे? कौन ले गया है? ये लेकर आया हुआ का फिर दो जाने से पहले ही रुक आप गए। साले तू लेके आई है ये क्या सुतली मॉम है? क्यों किया तूने ऐसा? जन्नत जाना था मुझे। जन्नत? जन्नत थाईलैंड में मिल तो रही थी। 72 हूरे इंतजार कर रही है मेरा। एक तो ये गलत फहमी इन बेवकूफों की। बूस्ट द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। अबे बुड्ढे, कन्यादान की उम्र में कांटे बनने का शौक है क्या तुझे? चुप बैठ जा नहीं तो यहीं कहीं गांड मार दूंगी। बेटी प्रतिभा है तुम में, साधन नहीं है, थाईलैंड में लग जाता है। पिंकी जी, पायलट साहब ना बड़े समझदार लगते हैं, आप उनको बुलाइए, उनको जरूर आता होगा डिफ्यूज करना। हाँ, मैं बुलाती हूँ। कहाँ फंस गया हूँ मैं? 4 बजे लाइव जाना था फैंस के साथ। लिटिल बीस्ट, नाउ और नेवर की घड़ी है। चूज कर तुझे किससे लॉयल्टी रखनी है, 2,00,000 रुपए महीना देने वाली नौकरी से या अपने 9,990 एंड काउंटिंग लॉयल फैन बेस से? सर आप क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था पिंकी। मैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं, फुल उड़ने के लिए बनाऊँ। 4 बजे लाइव आऊंगा, ज्वाइन कर लेना। और हाँ, प्लेन ऑटो पायलट पे लगा दिया है। फ्लाइंग बीस्ट को। ओ हाँ, वो तुम देख लेना। चलो बाय। अबे साले जल्दी बता कौन सी तार काटूं।
अरे भाई प्लीज बता दे यार, मैंने अभी तक सेक्स भी नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर से किया है। सारे सवालों का जवाब ऊपर मिलेगा। साले ऊपर तेरे बाप ने गूगल का हेडक्वार्टर खोल रखा है। बस पहुंचने वाले हैं ऊपर। ऊपर नहीं, we are going down. ये इसी चीज की कमी रहेगी। इसकी अलग ही रामायण चल रही है। कितने खुश नसीब हो तुम लोग, एक नहीं दो दो मौतें मिल रही है तुम्हें। आखिरी बॉम्ब फटने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, उससे पहले अगर कोई लैंड करा दे तो हम प्लेन छोड़ के भाग सकते हैं। एंटनी भाई, में तुम कैसे प्रॉपर दिखाया नहीं। मेल्ट कर दिया। आपने कबीला बचा लिया सरदार, आपने कबीला बचा लिया। आप एक वीर हैं और वीर डरते नहीं, उठाइए अपना भाला और चीर दीजिए शत्रु को। चुप भोसड़ी के डर, चुप बैठ तू।
जाने दो ना प्लीज, नेक्स्ट वाली फ्लाइट में आपकी पक्का हेल्प कर दूंगा। ऊपर कुर्बानी मांगी गई है तो कुर्बानी देनी होगी। बात लेके जा रहा हूँ, यही कुछ और ले लो ना, मैं बहुत अच्छी देता हूँ। ये क्या हुआ, किसकी पड़ी गोली? नहीं, हर्ष बेनीवाल की तो नहीं पड़ी, इसी की पड़ी। साला फुकट का डायलॉग खा रहा है, फुटेज चाहिए फुटेज। क्यों? ये क्या दिखाया, मतलब गन मार के उसको बच्चे को सिगरेट? एक की कुर्बानी तो दो वरना मेरा मजहब मुझे धिक्कारेगा। अबे चूतिए, है तेरा कोई मजहब नहीं है, सिर्फ आतंकवादी है। लड़ू चल, जल्दी जल्दी आगे बढ़, चलो चलो। हेलो, मर जाते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता। हो गए, हो गए। बेवकूफ कहीं के। करीब से भगवान के दर्शन हो गए। करीब से भगवान के दर्शन हो गए। पानी पड़ा यार। ये सही बन के बैठ। मेरा बैग। एक्सप्रेशन मैन इस बंदे के। ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? This is the captain, little beast, signing off. अब जी आने वाली? मम्मी नई साड़ी ले लो, सुपर चैट फिर से आने वाली है। यलगार 2.0 तो तुम पे बनेगा मेरे अमर अकबर एंथनी। अरे थैंक यू सो मच अमर अकबर एंथनी, पबजी वापस आ गया। दशु बेटा पबजी वापस आ गया, एक बार प्लीज धीमे ला लो। Alright chat, that's it for today's stream. Thank you very much अमर अकबर एंथनी, आपकी वजह से मैं फाइनली नवीद की सैलरी क्लियर कर सकता हूँ। पबजी इज बैक, यानी कि धंधा वापस शुरू। भाई शुक्रिया यार अमर अकबर एंथनी भाई, भाई दिल से शुक्रिया भाई, भाई तुम्हारे वजह से पबजी आ चुका है भाई, मतलब इतनी खुशी यार भाई, रोना आ रहा है यार। Yes! It's really great guys, finally PUBG वापस आ चुका है and असली पर्स हेडशॉट तो साला इन तीनों ने मारा, मन कर रहा है कि पब्जी ले लूं मैं आके। I'm just speechless guys, thank you so much अमर अकबर and Anthony, मजा आ गया यार, thank you so much। अब हमारा हर रोज रात में होगा बूम बम क्लासिक्स। हाय, थैंक यू सो मच अमर अकबर Anthony, तुम तीनों के बदलते पब्जी वापस आ गया। हम तो थुलू थुलू में बहुत दबला गए थे, हमारा तो कलियर अभी नया नया थुलू हुआ था। फाइनली अब हम तुम्हारी वजह से दो टाइम रोटी खा पाएंगे और एक टाइम पानी पी पाएंगे। थैंक यू सो मच अमर अकबर Anthony। तो अमर अकबर एंथनी, पूरी गेमिंग कम्युनिटी आपके जज्बे को सलाम करते नहीं थक रही, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, ये तो हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी थी, तो मैंने करी है ड्यूटी और फर्ज 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 भी था, मैंने निभाया फर्ज। निभाया इसलिए क्योंकि मेरे जैसा महान लीडर जो साथ था, जिसके रहते हुए कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ हाँ, मुश्किल इसलिए नहीं लगा क्योंकि लीडर के जो साथी थे वो बहुत समझदार और होशियार थे। हाँ हाँ, बहुत समझदार थे, इतने समझदार के ओपन से भी इंटर में फेल होते हैं, लेकिन मैंने एमए किया है, मैंने एमए किया है और ये बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं ये। सर हमें स्टोरी कवर के लिए एक पिक्चर चाहिए, सो कैन यू प्लीज पोज फॉर अ पिक्चर? थोड़ा रुक जा अकबर, उधर हो जा थोड़ा, अमर देख मैं लीडर हूं, मुझे बीच मान दे, मेरी खींचो, मैं बीच में इसमें सारी चीजें थी, मतलब आप इसमें सिर्फ ये सोचोगे कि भाई हाईजेक है और इसके अंदर सिर्फ हाईजेक से रिलेटेड ही चीजें आपको दिखाई गई है, तो नहीं, इसका जो फन फैक्टर था, मतलब क्या बोलूं, वो जो कैरेक्टर था, उन लोगों की शर्त मानी गई,
वो राइटर था और राइटर उसने खुद ने वो बुक लिखी थी और वो कैरेक्टर पूरी तरीके से खुद के अंदर लेके बैठ गया था। और भाई जो उसने प्ले किया था ना, मतलब जो बोलते ना पूरी जो स्पॉटलाइट होती है वो, मतलब कि उस मतलब उस बंदे का जो कैरेक्टर था जितना उभर कर आया, आई स्वेयर, मतलब लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो अपने वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जो नए लोग हैं उन लोगों को मौका दे रहा है, चांस दे रहा है। और जो स्टोरी थी, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग से लेकर आप कहीं पे भी आप मतलब रुक नहीं सकते। एंड आई एम रियली सो सॉरी, आप ये देख रहे होंगे मैं थोड़ा धीरे धीरे, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं कंट्रोल करूँ, मैं नहीं हंसूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा धीरे बोलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे अपनी हंसी भी कंट्रोल करनी पड़ रही है। बट बाय गॉड, मुझे लग रहा था कि आज मैं डांट खाने वाली हूँ। जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, मुझे वीडियो बनाना ही था एंड आई थरली इन्जॉय द होल वीडियो, आई लव इट सीरियसली। और पता है गाइस, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि मतलब मैं जानबूझ करके लेट कर रही हूँ, ये अनइंटेंशनली हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो मैं देख पाऊँ, बट आई रियली लाइक दिस वीडियो। बट इसमें मुझे एक चीज़ है जो मुझे कम लगी, मतलब वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी, मतलब मैं डिनाई नहीं करूँगी उस चीज़ से। दिखाया कि बच्चा गन से मार रहा है, ठीक है, एंड देन वो सिगरेट पी रहा है, मतलब प्रॉपरली सिगरेट का धुआं वगैरह नहीं दिखाया, बट वो प्रोजेक्ट तो इसी तरीके से किया गया है कि सिगरेट। सो ये मुझे थोड़ी, आई नो आप लोग भी इस चीज से एग्री कर रहे होंगे, एंड इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव, लाइक इट्स वेरी नाइस। मुझे मतलब जो नया वाला जो बंदा था ना, आई डोंट नो ये आगे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, बट जिस तरीके से और जहाँ जहाँ जितनी बार भी उसको दिखाना उतनी बार हंसी, बोले हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में जब तक उसका दिमाग घूमा नहीं था तब तक तो वो नॉर्मल था, और उसके बाद में जो हुआ, मतलब वी ऑल नो कि कितना क्रेजीनेस थी उस कैरेक्टर के अंदर, बाय गॉड, मतलब मैं थक नहीं सकती उस कैरेक्टर के बारे में, पूरा लंबा वाला बहुत लंबा हो जाएगा वो वीडियो। सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो मुझे मतलब कम से कम में ख़त्म करना है। ऑलराइट, सो हर्ष पैनीवाल ने सच में बहुत अमेजिंग, मतलब उसकी जो कॉमेडी है ना, लाइक बंदा अपने लेवल पे बहुत 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 अमेजिंग कर रहा है। और जो उसके साथ में जो यार, आई डोंट नो, मैं नेक्स्ट टाइम जाके ना नाम देखूंगी, मैं ये इस चीज़ में बहुत बुरी हूँ, मैंने नाम नहीं देखा, बट ही इज़ लाइक दैट बॉय इज़ डूइंग सो ग्रेट जॉब, बहुत ही सही एक्टिंग कर रहा है। प्लेन हाईजैक के लास्ट के अंदर जिस तरह से वो टेररिस्ट को दिखाया था, सच में जितने भी टेररिस्ट होते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में ये ही भरा जाता है कि पता नहीं उन लोगों को क्या ही मिलेगा, जबकि कुछ भी नहीं मिलता, मतलब इतने लोगों को मारने के बाद में कोई भी सुकून से नहीं रह सकता, ऐसा बुरा होता है कि भाई हमें बाद में वो चीज़, मतलब बोलते ना कि लाइक इट्स कर्मा काइंड ऑफ थिंग, कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते तो हमारे साथ में भी बुरा होता है फैक्ट। बट ये देखो कि टेररिस्ट जो इतना बुरा, मतलब लोगों को बेवजह मार देते हैं, सोचो उन लोगों के साथ में क्या होगा, और वो लोग ये सोचते हैं कि उन लोगों को, मतलब उनसे गॉड खुश होंगे और ये सब चीज़ें होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे हंसी थी इस बात पे कि भाई इतनी हूरे मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मतलब तुम भगवान के नाम पे वहाँ पे हूरों के साथ में, बाय गॉड मेंटालिटी देखी, मतलब भगवान का नाम लेके करने के जा रहे हैं, मतलब एक उनके वे में अगर देखो तो वो लोग करने के जा रहे हैं। फालतू की चीज़ें हैं, सो फालतू की चीज़ें हैं, फालतू के लोग हैं, फालतू का भरते हैं, और जो इन लोगों को एज अ पपेट यूज़ करते हैं ना, वो लोग उन लोगों के साथ में, मतलब वो लोग खुद आराम से बैठते हैं और जो मर्जी वो करते हैं, वो लोग खुद का ही फ़ायदा करवाते हैं। और जो जिन लोगों को जो इलिटरेट होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन लोगों को पकड़ते हैं। सो ये जो फालतू की चीज़ें भर दी जाती है ना, तो हम उस चीज़ से अच्छे से जानते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी गुस्सा देने वाली थी, मैं क्या बोलूँ उसके अंदर। बट या वी ऑल नो कि ऐसे लोगों का एट द एंड क्या होता है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, मैं सच बता रही हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, आप ये बोलोगे कि बार बार उसके बारे में क्यों बात करी, बट जो कैरेक्टर था ना वो नए वाले बंदे का, आई स्वेयर, मतलब उस बंदे से नज़र नहीं हट रही थी। आप जितनी बार भी स्क्रीन में देखोगे ना, तो मैं कहीं और नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ उसकी एक्टिंग और उसकी वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था वो। सो amazing 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 job, great teamwork, and this video is seriously so amazing.
पबजी आ रहा है आप सबका, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो जो पबजी मतलब जो पागल है पबजी के पीछे, सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरी सिंगल वन, सो या एंजॉय करो. ऑलराइट, सो या दैट्स इट, आई थिंक वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो चुका है. So yeah, that's it. I'll meet you in my next video. Take care, guys, and bye bye.